आज का जो हमारा टॉपिक है ये केमिस्ट्री का है। ये हम क्रिस्टेलोग्राफी स्टडी कर रहे हैं और क्रिस्टेलोग्राफी के अंदर जो है हम यूनिट सेल को स्टडी कर रहे हैं। यूनिट सेल ग्रुप है लैटिस पॉइंट्स का, ठीक है। लैटिस पॉइंट्स को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो उनके रिपीट करने से कॉन्फिग्रेशन हमारे पास बन जाती है जिसे जो है हम यूनिट सेल कहते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो मैंने डॉटेड शो किए हैं ये लैटिस पॉइंट्स हैं और इन सबके रिपीट करने से एक रेगुलर पैटर्न हमारे पास बन गया है जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं। और दूसरा इसकी डेफिनेशन हम यूं बयान कर सकते हैं कि ये थ्री डायमेंशनल ग्रुप है लैटिस पॉइंट्स का जो कि लैटिस क्रिएट करेगा स्टैकिंग के जरिए से, ठीक है। थ्री डायमेंशनल कैसे, मतलब इसमें लैटिस पॉइंट्स तीन डायमेंशन के अलॉन्ग जो है अरेंज हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जी एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। और विच जनरेट लैटिस, तो इन सब के रिपीट करने से थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट के अलॉन्ग हमारे पास एक लैटिस ही बन गया है ना, ठीक है। ये लैटिस हमारे पास क्रिएट हो गया है बाय स्टैकिंग। किस चीज़ के जरिए से स्टैकिंग, मतलब इन्हें इकट्ठा करने के जरिए से। तो थ्री डायमेंशनल ग्रुप जो होता है लैटिस पॉइंट्स का वो एक लैटिस क्रिएट करेगा स्टैकिंग के जरिए से, ठीक है। मतलब लैटिस पॉइंट्स थ्री डायमेंशनली जो है अरेंज होंगे, अपनी स्टैकिंग करेंगे, खुद को इकट्ठा करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन बना देंगे जिसे हम यूनिट सेल कहेंगे। अब यूनिट सेल की फर्दर तीन कॉन्फ़िगरेशंस हैं, एक है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा है एंड फेस सेंटर्ड और तीसरा है बॉडी सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे ना, मतलब जो लैटिस पॉइंट्स होंगे वो हर फेस के सेंटर पे होंगे उनके कॉर्नर्स पे होने के अलावा। अब ये देखिए ये एक फेस है, ये एक फेस है, अब इनके कॉर्नर्स में तो हैं ही, यहाँ मैंने शो नहीं किए, ऊपर शो किए हुए हैं, लेकिन इनके कॉर्नर्स में होने के अलावा इनके सेंटर में भी जो है, हर फेस के सेंटर में भी जो है लैटिस पॉइंट जो है मौजूद है, ठीक है। तो जब पार्टिकल्स कॉर्नर्स में होने के अलावा हर फेस के सेंटर पे भी हो तो इसे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। एंड फेस सेंटर्ड क्या होगा, जब पार्टिकल्स जो हैं हर एंड वाली फेस के सेंटर में मौजूद होंगे उसके कॉर्नर्स में होने के अलावा। अब देखिए ये भी एंड फेस है, अपर फेस, ये भी एंड, एक लिहाज से एंड फेस ही है, ये इसका बेसल एंड है, ये डिस्टल एंड है, लेकिन है तो एंडिंग फेसेस ही ना, ठीक है। तो जब पार्टिकल्स हर एंड फेस के सेंटर पे मौजूद होंगे कॉर्नर्स पे होने के अलावा तो वो एंड फेस सेंटर्ड होगा। और बॉडी सेंटर्ड क्या होगा, जब पार्टिकल्स जो हैं वो बॉडी के सेंट्रली लोकेटेड होंगे उसके कॉर्नर्स पे होने के अलावा। अब ये यहाँ भी मतलब शो नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल व्यू में सही जो है शो होगा, तो ये जो पॉइंट है लैटिस पॉइंट, ये बॉडी के सेंटर में जहाँ से इसका सेंट्रल एक्सिस गुजर रहा है वहाँ पे लोकेटेड है। तो जब पार्टिकल्स जो हैं बॉडी के सेंटर में लोकेटेड होंगे उसके कॉर्नर्स पे होने के अलावा तो उसे जो है हम बॉडी सेंटर्ड कॉन्फिग्रेशन। तो ये हमने यूनिट सेल पढ़ा है और इसकी तीन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड।